हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एमपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं और देना चाहते हैं इस बार एमपी स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है बहुत टाइम के बाद इसकी वैकेंसी आ रही है और सेट एग्जामिनेशन भी लगभग 4 साल के बाद हुआ था, बट अभी तक सेट एग्जामिनेशन का कोई रिजल्ट नहीं है। तो किस तरीके से चीजें रहेंगी, क्या अब जो एस्पिरेंट एमपी सेट क्लियर कर लेंगे उनको ये मौका मिलेगा कि वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन दे पाएंगे, या अभी भी उन्हें इंतजार करना पड़ेगा? और जिनका एमपी सेट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं है, क्या उनके पास कुछ एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि वो इस बार अपना एग्जामिनेशन दे पाए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? तो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, अच्छे से क्लैरिटी देती हुई चलूंगी, सो दैट आप ये जो टाइम पीरियड हमारे पास है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अपने जो जॉब है उसको ले सके एंड जो अपनी ड्रीम जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है कि एमपी सेट का रिजल्ट नहीं आया है। तो एमपी सेट का रिजल्ट नहीं आया है तो कब आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब एमपी सेट का रिजल्ट नहीं आया है उसके पीछे एक कारण था कि इलेक्शन हो रहे थे एंड बकायदा एक नोटिस भी आया था कि जहां पे बताया गया था कि रिजल्ट आने में डिले हो रहा है, चुनाव उसका एक कारण है। तो अभी चुनाव हो चुके हैं, कल चुनाव समाप्त हो गए हैं एमपी स्टेट में, तो अभी बहुत जल्द आपके लिए यहाँ पे रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि क्या रिजल्ट अभी आ सकता है इन दिनों में, या फिर जब रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का उसके बाद आएगा, तो रिजल्ट 3rd of December को आने वाला है, ठीक है, इलेक्शंस का। उसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको 15 दिन का समय दिया जाता है, 15 डेज का टाइम दिया जाता है। अगर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, रीओपन होती है, तो 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि क्या फॉर्म फिलिंग रीओपन होगी? तो यस, बिल्कुल फॉर्म फिलिंग रीओपन होगी, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है बहुत टाइम के बाद हो रहा है और ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी एग्जामिनेशन हो जाता है। तो अभी जो मौका दिया है सरकार ने, एक हमारे पास चांस है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज अगर करना है तो आपको जरूर टाइम दिया जाएगा। जिनका भी एमपी सेट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा उनके लिए तो ये एक चांस देना बहुत ही जरूरी है, और एक फेयर चांस भी यही होगा अगर आप जिनका एमपी सेट क्लियर हो जाएगा उनको एक चांस दें। तो इसके लिए अब यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है कि एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एप्लीकेशन फॉर्म है, क्या वो रीओपन होंगे? तो एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन हो जाएंगे, बट अगर एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन हो जाते हैं, मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 दिसंबर को रिजल्ट आया है, ठीक है, एमपी सेट एग्जामिनेशन का, फिर आपको 15 दिन दिए जाएंगे, तो लगभग 20 दिसंबर तक ये चीजें रहेंगी, 20-25 दिसंबर तक फॉर्म फिलिंग वगैरह ये चीजें सारी रहेंगी, करेक्शन विंडो वगैरह होगी। तो अब हमारा जो एग्जामिनेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो 3 चरण में होने वाला है। तो फर्स्ट जो फेज है उसमें हमारे पास 28 जनवरी को हमारे पास कुछ एग्जामिनेशन है जो होंगे। तो जिनका फेज 1 में है एग्जामिनेशन, तो क्या ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकता है? तो इसके भी पोस्टपोन होने के इक्वली चांसेस हैं, क्योंकि जिन एस्पिरेंट्स ने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो उनको भी एक अप्रोप्रिएट टाइम दिया जाएगा। और क्योंकि हमारे पास ये जो फेज है वो 3 फेज बहुत ज्यादा टाइम गैप के साथ है, तो लगभग 2024 के एंड तक हमारा ये एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसमें भी चेंजेस लेके आए जाएंगे। एंड इसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकलती है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एमपी सेट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं है, या उन्होंने एमपी सेट एग्जामिनेशन नहीं दिया है और वो इस बार नेट एग्जामिनेशन को अप्रोच कर रहे हैं। ये जो नेट एग्जामिनेशन है ये आपका 6 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक होने वाला है। कल डेटशीट रिलीज हो चुकी है, पूरा शेड्यूल आपके सामने है। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए, 18 दिन हमारे पास है। ये 18 दिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं कि आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, नेट एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने नेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया और फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप फॉर्म भर पाएंगे एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन है उसके लिए, तो ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली है कि अभी हमारे पास एमपी सेट का भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया है एंड फॉर्म फिलिंग थोड़ी सी डिलेड होगी उससे। और अगर आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो जनवरी में चला जाता है तो आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जो नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप सभी एस्पिरेंट्स जो एमपी सेट को टारगेट कर रहे थे या जो नेट को टारगेट कर रहे हैं, जिनका एमपी सेट होगा या नहीं होगा असमंजस में है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं हाथ से गंवानी है। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप बोल सकते हो, ऐसा हो जाएगा कि ड्यू टू इलेक्शन या ड्यू टू एनी रीजन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है और उसको अब आपको ग्रास्प करना है। अच्छे से तैयारी करते रहिए,
डेली इस चैनल पे आपके लिए मैं भी क्लासेस लेती हूँ, 5 बजे कॉमर्स की और 9 बजे हमारी पेपर वन की होती है। और पेपर वन के लिए आपको जेरेफ अड्डा चैनल पे पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि कैसे तैयारी करें, मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो जेरेफ अड्डा की तरफ से आपके लिए बहुत अमेजिंग टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए है। ये टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हो। पेपर वन में लग रहा है कि थोड़ी सी कमी है या पेपर टू में थोड़ी कमी है, तो आप अलग अलग से भी पेपर वन एंड पेपर टू की टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो, ठीक है। सेट एग्जामिनेशन के लिए भी टेस्ट सीरीज हमारे पास है, तो आपको हर एक तरीके की टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप रिविजन करना चाहते हैं तो रिविजन कोर्सेज हैं, बहुत जल्द मैंने अभी 3 यूनिट करवा दी है, बाकी 4 यूनिट्स को कवर करवा रही हूँ इस वीक। 3 दिन में 1 यूनिट में कवर करवाती हूँ और थोरोली पूरी यूनिट को रिवाइज करते हैं। जो कंटेंट मैंने अपनी तैयारी में यूज किया था वो कंटेंट आपको दिखा के, वो कंटेंट आपको पढ़ाती हूँ, सो देट आपको जो ऊपर की क्रीम होती है ना वो मिले। और लास्ट टाइम पे अगर आप उसको रिवाइज कर लोगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल चीजें रहती है। एंड साथ ही साथ यूट्यूब पे क्वेश्चन सीरीज तो हमारी चलती है, तो दोनों तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है। पेपर वन में भी आपकी विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं और कैसे हर क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो सारी चीजें सीखते हैं। तो ये पर्टिकुलर रिवीजन बैच कैप्सूल कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपको पैटर्न पता लगेगा। एंड अगर आपको है कि आपका एमपी सेट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, तो अभी हमारे पास एक अच्छा चांस है कि हम अच्छे से अपना पेपर टू स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो जनरल पेपर है उस पर भी फोकस करते हुए चलिए, तो इन चीजों का भी ध्यान रखिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन बहुत इजी एग्जामिनेशन नहीं होता है, कॉम्पिटिशन वहां पर भी बहुत ज्यादा हाई होता है, तो आप अपने जो सब्जेक्ट का पेपर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, सब्जेक्ट पे फोकस करो। एंड साथ ही साथ जो जर्नल पेपर होता है एमपी स्टेट का, उस जर्नल पेपर की तैयारी करिए, क्योंकि जर्नल पेपर भी आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। और जो भी डिफरेंट स्टेट्स के भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप नेट क्लियर कर लेते हो तो आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, और जिनका सेट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड साथ ही साथ उनको भी मिल सकती है अपॉर्चुनिटी जो इस बार नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। तो कोशिश करो कि आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि आगे क्या चीजें होंगी हमें नहीं पता है सर्टेनिटी के साथ, बट जो चीज हम कर सकते हैं ना, जो हमारे हाथ में है, वो चीज करो और उसका हमें बेनिफिट लेना है। तो आपके लिए टाइम टेबल है, ठीक है, डेली क्लासेस हमारी होती है, ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से लगाओ, अच्छे से मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस करो, तो ये सारी चीजें हेल्प करेंगी आपको आपका सिलेक्शन दिलवाने में और आपकी ड्रीम जॉब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जो आप ड्रीम रखते हो उसको पूरा करने में। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, आपके लिए कल एक बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है इनकम टैक्स का, तो ये सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 2018 से 2023 तक, वो सारे क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई है, तो आप जो एस्पिरेंट इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको शेयर कर सकते हो। चैनल पे आपके लिए मीनिंगफुल कंटेंट बहुत सारा पड़ा है, आपको लगता है कि आपके लिए वो वैल्यू एडिशन कर रहा है आपकी तैयारी में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। एंड कॉमर्स एस्पिरेंट के लिए ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और आप उन सभी के साथ इसको शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।